Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra. BA Part First English Literature के लिए हमने पिछली वीडियो में सबसे पहले जो पहली पोएम है Seven Ages of Man by William Shakespeare उसे पढ़ा, उसे समझा. उम्मीद करते हैं कि आपको उस पोएम को समझने में आसानी हुई होगी. नेक्स्ट जो पोएम है उसी सेक्शन में पोइट्री एंड ड्रामा का जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो पोएम है वो एक सोनेट है. वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड, पूरा टाइटल है अपॉन द स्टैंड, लेकिन बुक में वन डे आई रोट हर नेम तक लिखा हुआ है. एक्चुअली इसका कोई टाइटल नहीं है, ये पोएम नंबर 75 है एक सोनेट साइकिल में से बाय एडमंड स्पेंसर. तो सबसे पहले हम इन्हें जानेंगे एडमंड स्पेंसर के बारे में. एडमंड स्पेंसर, इनका जन्म हुआ 1552 में और इनकी डेथ हुई 1599 में, इज़ अ मेजर पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज. जैसे शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन एज के मुख्य कवि हैं, मेजर कवि हैं उस दौर के, उसी प्रकार से एडमंड स्पेंसर भी उसी एज को जो है एक मेजर पोइट हैं. और ही वॉज बोर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड, इनका जन्म ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन के ही एक क्षेत्र में हुआ. एंड स्टडीड एट मर्चेंट्स टेलर्स कॉलेज, मर्चेंट टेलर्स स्कूल नॉर्थवुड, वहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई स्कूल में. एंड पेम्ब्रुक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की. He is counted as a key figure of Renaissance along with Shakespeare, Sidney, Marlowe, Johnson and others. Shakespeare, विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन और भी अलग हैं, जैसे डन है, मिल्टन है. ये जो रेनेसां पुनर्जागरण काल, इंग्लैंड का पुनर्जागरण काल, हिस्ट्री में आपने पुनर्जागरण काल को पढ़ा होगा, उसी प्रकार से इंग्लैंड के जो पुनर्जागरण काल है उस काल के जो मुख्य कवि हैं उन्हीं में इनकी भी गिनती होती है एडमंड स्पेंसर की. चार्ल्स लैम, जो आपके सिलेबस में इनका एक ऐसे भी है, चार्ल्स लैम जो खुद एक क्रिटिक भी रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि एडमंड स्पेंसर पोइट है, कवियों के कवि हैं. एडमंड स्पेंसर को चार्ल्स लैम कॉल हिम द पोइट्स पोइट बिकॉज ऑफ हिज हाई क्वालिटी ऑफ हिज पोइट्री, उनकी हाई क्वालिटी ऑफ पोइट्री के कारण उन्हें कवियों का कवि कहा चार्ल्स लैम ने. छोटा क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे इसी स्लाइड में से इनके जन्म और मृत्यु के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, इनका एरा कौन सा है उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, और इनकी इन्हें रेनेसा का कौन गिना जाता है या रेनेसा में इनकी भूमिका के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, और साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने या किस क्रिटिक ने इन्हें पोइट्स पोइट कवियों का कवि कहा था. और इनके वर्क्स के बारे में, जो इनका सबसे फेमस वर्क है वो है द फेरी क्वीन. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज एलेग्रिकल पोएम. एलेग्रिकल पोएम है इनकी एक. एलेग्रिकल पोएम वैसे ही होती है जैसे हमारे रामायण है, जिसमें कोई एक गुणों को प्रेजेंट करने वाले करेक्टर होते हैं, जैसे राम जो है वो मर्यादा को, या मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं, सीता जो है एक पत्नी की मर्यादा को प्रस्तुत करती है, और उसी प्रकार से लक्ष्मण जो है एक भाई की मर्यादा को प्रस्तुत करते हैं. उसी प्रकार से एलेग्रिकल पोएम्स जो है इंग्लैंड का या रोमांटिक एज जिसे बोले रोमेंस काल या फिर जो मध्यकाल है, जब रोमांस ज़्यादा छपती थी तब एलेग्रिकल पोएम्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच पढ़ी जाती थी. ज़्यादातर इन्हें लिखवाने वाले जो है वो नोबेल लोग होते थे, उन्हीं के खर्चे से कवि जो है एलेग्रीज लिखा करते थे. तो एलेग्रिकल पोएम है द फेरी क्वीन, 1590 में ये प्रिंट हुई 12 वॉल्यूम्स में, और इसे लिखा गया रिटन इन ऑनर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो रानी थी उस समय इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ, जो स्वर्णिम काल माना जाता है इंग्लैंड के लिटरेचर और कल्चर के मामले में. उस काल की जो रानी है क्वीन एलिजाबेथ, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के सम्मान में ये एलेग्रिकल पोएम लिखी गई द फेरी क्वीन. दिस पोएम ऑल्सो ग्लोरीफाइज इंग्लैंड एंड इट्स लैंग्वेज, और ये जो पोएम है इंग्लैंड को एक देश के रूप में और उसकी भाषा को, इंग्लिश भाषा को भी ग्लोरीफाई करती है, उसे भी ये सम्मानित करती है, उसके बारे में ये एलेग्रिकल पोएम है बाय एडमंड स्पेंसर. ये इनका सबसे फेमस वर्क है. एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि फेरी क्वीन के लेखक कौन है, हु हैज़ रिटन द एलेग्रिकल पोएम फेरी क्वीन, या फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एडमंड स्पेंसर की फेमस एलेग्रिकल एपिक या पोएम के बारे में, उनके नाम बताइए, तो नाम है द फेरी क्वीन, और ये पब्लिश हुई 1590 में.
और उनके अन्य वर्क्स में सबसे फेमस है एमोरेटी एंड एपिथलामियन। एमोरेटी और एपिथलामियन एक साथ पब्लिश हुए 1595 में। और ये जो वर्क है एमोरेटी जो है एक सोनेट साइकिल है। सोनेट साइकिल्स में क्या होता था, एक ही प्रकार के थीम से रिलेटेड सोनेट्स होती थी जिनका टाइटल नहीं होता था, नंबरिंग की जाती थी। सोनेट एक, सोनेट दो, सोनेट तीन, इस प्रकार से टोटल इसमें 99 पोइम्स हैं सोनेट साइकिल में। और इसके अलावा इसी के अंदर एक पोइम है एपिथलामियन। एपिथलामियन एक्चुअली में एक पोइम होती है जो कवि अपने खुद के मैरिज के बारे में, अपने खुद की शादी जो है, न्यूपिचुअल्स जो भी है, जो शादी के संस्कार हैं उनके बारे में एक कविता लिखता है जिसमें वो सब घटित होता है, जो वो जो कुछ भी उस दिन घटित होता है शादी वाले दिन, उस सब को वो एक कविता के रूप में लिखता है एपिथलामियन। और भी कवियों ने लिखी, एडमिन स्पेंसर का एपिथलामियन भी फेमस है। सो ये एक साथ पब्लिश हुए, एमोरेटी एंड एपिथलामियन दोनों एक साथ पब्लिश हुए। इन्हें पब्लिश करवाया था विलियम पॉन्सबी ने। ये जो पोएम हमारे सिलेबस में है वो भी एमोरेटी से ही ली गई है, उसमें पोएम नंबर 75 है, सोनेट नंबर 75 आउट ऑफ 99 पोएम्स। स्पेंसर एक्सपेरिमेंटेड विद सोनेट फॉर्म एंड डेवलप्ड अ यूनिक फॉर्म विच केम टू बी कॉल्ड स्पेंसेरियन सोनेट। हमने सोनेट के बारे में हम और भी बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं शेक्सपियर ने जो इंग्लिश सोनेट है उसे ब्रिटिश इटालियन सोनेट से अलग एक स्टाइल दिया। इटालियन सोनेट में जो 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइनें होती हैं, उन्हें 8 और 6 के रूप में दो डिवीज़न में रखा जाता है। लेकिन इंग्लिश सोनेट के अंदर ये हुआ कि उन 14 लाइनों को पहले तो 4-4 के 3 क्वाट्रेंस में रख दिया और लास्ट में दो लाइनों का एक कंक्लूजन, यानी 4 × 12 प्लस एक दो लाइनें यानी कि 14। और इस प्रकार से जो इंग्लिश सोनेट है उसकी राइम स्कीम भी थोड़ी अलग रही। स्पेंसर ने क्या किया, उस जो राइम स्कीम है उसमें सारे क्वाट्रेंस को एक राइम स्कीम के साथ जोड़ दिया। वो कैसे जोड़ा इस पोएम में हम देखेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्पेंसेरियन सोनेट है अपने खुद के स्टाइल में, इसे कहते हैं स्पेंसेरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट ही है, उसी का एक सब टाइप है स्पेंसेरियन सोनेट। ये जो पोएम है अबाउट द पोएम, ये पोएम किस बारे में है, इसके बारे में हम इसमें थोड़ा जानेंगे। वन डे आई रोट हर नेम, मैंने एक दिन उसका नाम लिखा, ऑन द अपॉन द स्ट्रैंड यानी कि बीच पे, यानी कि जो किनारे पे। वॉज पब्लिश्ड इन 1595, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1595, प्रिंटेड बाय विलियम पॉन्सबी। ये एमोरेटी में ही पब्लिश हुई थी, इसी एक जो सोनेट साइकिल है इसी के एक पोएम के रूप में। अ लव सोनेट, ये एक लव सोनेट है बाय एडमंड स्पेंसर। इट इज़ नंबर्ड 75, ये 75वीं 75th नंबर पे है आउट ऑफ 99 पोएम्स इन अ वॉल्यूम कॉल्ड एमोरेटी एंड एपिथलामियन। एपिथलामियन और एमोरेटी नाम का जो टाइटल बुक है उस बुक में ये 75th पोएम है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, ये पोएम किस लिटर या सोनेट साइकिल में इंक्लूडेड है, या इसका नंबर कौन सा है, 75th है। द सोनेट इज़ अबाउट द पोइट्स बिलवज, ये कवि की बिलवड यानी उसकी प्रेमिका के बारे में है। हुम ही वॉन्ट्स टू इमॉर्टलाइज थ्रू हिज वर्स, जिसे वो अपनी वर्स के माध्यम से, अपनी जो कविता है उसके माध्यम से उसे अमर करना चाहता है। इमॉर्टलाइज मतलब अमर कर देना, मॉर्टल से इमॉर्टल कर देना, कि वो उसे उसकी यादों को उसके नाम को अमर कर देना चाहता है अपनी कविता के माध्यम से। दिस सोनेट इज़ अ लव सोनेट। यहाँ पे थोड़ा स्पेंसेरियन सोनेट को समझने के लिए मैंने ये एक स्लाइड डाली है। स्पेंसेरियन सोनेट के अंदर भी 3 क्वाट्रेंट, 12 लाइनें, 4-4 के 3, और एक कपलेट 2 लाइनों का होता है। सबसे पहला जो क्वाट्रेंट होता है उसमें जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी ए बी, जैसे यहाँ नीचे लाइनें दी गई हैं। वन डे आई रोट, ये पहली 4 लाइनें हैं इसी पोएम की। इसमें देखिए स्ट्रैंड और हैंड दोनों एक जैसे राइम में हैं। स्ट्रैंड और हैंड ए है, अवे और प्रे बी है, इस प्रकार से राइम स्कीम की जाती है। स्ट्रैंड हैंड अवे प्रे, जैसे गानों में भी तुकबंदी की जाती है, एक जैसे शब्द आखिर में रखे जाते हैं और उनके मिलने से ही एक तुकबंदी, एक लय बनती है, इसे कहा जाता है राइम करना। तो यहाँ राइमिंग जो है, राइम स्कीम जो है वो है ए बी ए बी, ये पहला क्वाट्रेंट है। सेकेंड क्वाट्रेंट में फिर से बी सी बी सी, और थर्ड में सी डी सी डी, लास्ट में जो कंक्लूजन है वो ई ई के रूप में होता है। इसके विपरीत जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें जो राइम स्कीम है वो अलग प्रकार से रखी जाती है, उसमें होती है ए बी
ए बी सी डी सी डी, यानी कि एक पहले क्वाड्रन का दूसरे क्वाड्रन से कोई भी संबंध नहीं होता। स्पेंसर ने यह किया, पहले क्वाड्रन को, पहली चार लाइनों को अगली चार लाइनों के साथ जोड़ने के लिए जो राइम स्कीम है बी वाली, उसे नेक्स्ट में भी दे दिया। फिर दूसरे को तीसरे से जोड़ने के लिए जो दूसरे में सी की राइम है वो जो तीसरे में दे दी, वो इसी प्रकार से लास्ट में उसने दो लाइनों का कंक्लूजन दे दिया। तो ये एक प्रकार से इनका तरीका था स्पेंसर का, इसलिए इसे स्पेंसेरियन सोनेट कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने ये जाना कि ये पोएम किस बारे में है, जो हमारे कवि कौन हैं, इनका जन्म और मृत्यु कब हुई, और ये किस एरा से बिलोंग करते हैं, इनका मुख्य वर्क कौन सा है, और इनके ये जो पोएम है वो कौन से सोनेट साइकिल से ली गई है। सोनेट साइकिल, जैसे मैंने बताया कि सोनेट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें नंबरिंग होती है और एक जैसे थीम, एक जैसे जो है किसी एक ही व्यक्ति को टारगेट करके या एक ही व्यक्ति के सम्मान में वो कविताएं लिखी जाती हैं, या एक ही प्रकार की थीम, जैसे लव थीम हो गई, या कोई डेथ की थीम ले ले, या कोई इस प्रकार की थीम पे एक ही प्रकार की पोएमें लिखी जाती हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं, सोनेट्स लिखी जाती हैं। उसी प्रकार से ये एमोरेटी और एपिथलामियन जो वर्क है, जो 1595 में पब्लिश हुआ, उसी में से ये पोएम ली गई है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्टैंड, एक दिन मैंने उसका नाम बीच में लिखा। सो इस पोएम को कब पब्लिश हुई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्पेंसेरियन सोनेट क्या है ये आपको यहाँ तक पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को पढ़ेंगे, इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और टेक्स्ट के मीनिंग को समझेंगे। सो यहाँ तक आप इसे समझे, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप वहाँ भी कॉमेंट कर सकते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन वीडियोज़ को देखें और इन्हें समझने का, पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि मतलब कोई समस्या है तो आप पूछें, क्योंकि सिलेबस करवाने का यही एक ज़रिया रह गया है, जबकि लॉकडाउन के कारण जो रेगुलर कक्षाएं हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो इसे ही रेगुलर कक्षाएं मानते हुए इनसे आप जुड़ें और अर्नेस्टली आप इन कक्षाओं को देखें और समझने का, पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।